हेलो स्टूडेंट्स, ये इंडियन हिस्ट्री का 31वां पार्ट है और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ले रहा हूँ। तो चलिए, अशोक के कुल स्तंभों की संख्या कितनी थी, 19 या 17? और अशोक के किस अभिलेख से मालूम होता है कि उसकी शांति नीति बहेलिया एवं मछुआरे पर भी लागू थे? कालसी अभिलेख या कंधार अभिलेख, मौर्यकालीन जनता की भाषा कौन थी जिसमें बहुत सारे अभिलेख लिखे गए थे, प्राकृत या पाली? मौर्यकाल के सर्वोत्कृष्ट नमूने अशोक के कौन से स्तंभ हैं, शार्कूना या एकाश्म स्तंभ? शार्कूना का स्तंभ या एकाश्म स्तंभ? एकाश्म स्तंभ किसके बने हुए हैं, संगमरमर के या चुनार के, बलुआ पत्थर के बने हुए हैं? सारनाथ के शीर्ष स्तंभ पर चार जानवर कौन है जो पीठ सटाए बैठे हैं, भालू या सिंह? ये जो सारनाथ के शीर्ष स्तंभ पर चार जानवर बैठे हैं, जो चार जानवर पीठ सटाए बैठे हैं सिंह, उनका क्या लक्ष्य है, क्या अर्थ है? गिरी त्याग का या बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन का? अशोक के काष्ठ स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है, कालसी का या सारनाथ के सिंह स्तंभ का? अशोक ने आजीविकों को कौन सी गुफाएं प्रदान की, पाटलिपुत्रा की या बराबर की? अशोक के पुत्र दशरथ ने किन पहाड़ियों पर आजीविकों को गुफाएं प्रदान की, और एरियन पहाड़ी या नागार्जुनी पहाड़ी पे? प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री का वृत्तांत किस पर आधारित है, अर्थशास्त्र पर या इंडिका पर? चंद्रगुप्त के राजप्रसाद का विशद वर्ष वर्णन किया गया किसने किया है, जिसमें सूसा और एक बद्धता से भी सुंदर बताया गया है, इसे सूसा और एक बतना से भी सुंदर बताया गया है? प्लिनी ने या एरियन ने? किसने कहा कि उत्तर पश्चिम से यानी उत्तरापद से ताम्रलिप्ति जाने वाले राजमार्ग की लंबाई 1300 मील थी, एरियन या मेगास्थनिज? पाटलिपुत्र नगरी को पॉलीब्रोथा के रूप में किसने उल्लेखित किया है, एरियन ने या स्ट्रैबो ने? पॉलीब्रोथा। मौर्य शासन का स्वरूप कैसा था, लोकतांत्रिक या कल्याणकारी निरंकुशवाद?
तो ये रहा, आप छोटी छोटी बातों को याद करें। थैंक यू वेरी मच।